हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ की कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, आप सभी की कंटिन्यूसली डिमांड आ रही थी कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे भी जो कि है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस डाले जाएं। तो मुझे किसी स्टूडेंट ने मेल कर दिया था इसका जो आपका सिलेबस है, ऑल्दो मैंने कभी इसको पहले ना पढ़ाया है ना पढ़ा है, सो इट्स फर्स्ट टाइम दैट ऑल्सो आई एम डूइंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो डोंट रिलाई अपॉन ओनली द क्वेश्चंस। यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल है, एक स्पेसिमिन है कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको गो थ्रू करना है अपने पूरे सिलेबस पे। सो यहाँ पे लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। ये आपको देखिए सब्जेक्ट तो हर यूनिवर्सिटी में मिलेगा, बट कुछ में थ्योरी सब्जेक्ट है तो कुछ में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मे बी कुछ यूनिवर्सिटीज में दोनों भी हो, तो हरियाणा की यूनिवर्सिटीज में ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। देन फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज आइडेंटिटी, वंस सोशल फेस, हाउ वन परसीव, हाउ वन इज परसीव्ड बाय अदर्स। सेकंड इज वन सेंस ऑफ हु आई एम एंड व्हाट आई एम। थर्ड इज बोथ वन एंड टू। फोर्थ इज नन ऑफ दीज। सो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो है आपका ऑप्शन वन, जो कि आपकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है आइडेंटिटी की, या मीनिंग भी बोल सकते हैं आप। सो ऑप्शन वन। कमिंग टू क्वेश्चन टू, व्हाट इज सेल्फ। यहाँ पे ऑप्शंस आपको पहले क्वेश्चन वाले ही मिलेंगे। यू कैन सी फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर ऑप्शन, चारों सेम है। फर्स्ट ऑप्शन आपका देखिए आइडेंटिटी के लिए था, जो आपका आइडेंटिटी का मीनिंग था। सेकंड क्या आंसर मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ, ये है सेकंड ऑप्शन, वन सेंस ऑफ हु आई एम एंड व्हाट आई एम। ये एज अ डिफरेंस भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। सो मेक श्योर कि आपको सेल्फ का भी मीनिंग पता हो और आइडेंटिटी का भी। थर्ड क्वेश्चन है, सेल्फ एंड आइडेंटिटी इज अ सब फील्ड ऑफ डैश। सब तो सेल्फ और आइडेंटिटी सब फील्ड कौन से सब्जेक्ट का है, तो ये है आपके साइकोलॉजी सब्जेक्ट का। क्वेश्चन फोर, डैश पोजिस्ट दैट पीपल डिटरमाइन देयर एटीट्यूड्स एंड प्रेफरेंसेस बाय इंटरप्रेटिंग द मीनिंग ऑफ देयर ओन बिहेवियर। फर्स्ट ऑप्शन इज सेल्फ आइडेंटिटी थ्योरी, सेकेंड इज सेल्फ परसेप्शन थ्योरी, थर्ड इज पर्सनैलिटी थ्योरी, फोर्थ इज सेल्फ इस्टीम थ्योरी। तो जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो है आपका पोजिस्ट दैट पीपल डिटरमाइन देयर एटीट्यूड है यहाँ पे, तो सेल्फ परसेप्शन थ्योरी आपके सिलेबस का पार्ट है। एग्जैक्टली सेल्फ परसेप्शन थ्योरी तो बिल्कुल पता होना चाहिए आपको क्या ये होती है। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेल्फ। इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है सेल्फ का, चार एलिमेंट है सेल्फ के, तो इनमें से कौन सा नहीं है। सो देखिए, पर्सनैलिटी जो है, पर्सनैलिटी सेल्फ कुछ नहीं होता है बेसिकली, एंड बाकी तीनों है सेल्फ, आपका आइडियल सेल्फ भी है, सेल्फ इस्टीम्ड भी है। एस्टीमेट नहीं होगा, ये स्टीम होगा, थोड़ा सा एरर है। देन परसीव्ड सेल्फ भी होता है, लेकिन पर्सनालिटी सेल्फ नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स, हु फॉर्म्ड दैट द सेल्फ वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ थ्री डिफरेंट पर्सनालिटीज स्ट्रक्चर, दैट इज द इड एंड द ईगो एंड द लास्ट इज द सुपर ईगो बेसिकली। तो ये किसने कहा था, बेल, क्रो एंड क्रो और फ्रूइड और स्पेंसर, तो ये कहा था फ्रूइड ने। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, योगा प्रैक्टिसेस हेल्प्स इन व्हाट, रिड्यूसेस एंजाइटी, बिल्कुल इट रिड्यूसेस एंजाइटी, इट रिड्यूसेस डिप्रेशन ऑल्सो एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। सो ऑल दी अबव आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, या सेवेंथ वी हैव डन। एट्थ क्वेश्चन, आइडेंटिटी फॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोला जाता है, इंडिविजुअलाइजेशन, सॉरी इंडिविजुअलाइजेशन एंड कैटलॉगिंग, थर्ड इज इन्यूमरेटिंग, फोर्थ इज हेटियन या हेशियन भी इसको बोल सकते हैं, जो भी प्रोनंसिएशन होगी, यहाँ पे हाइटियन आ रहा है। सो
बाकी ऑप्शंस करेक्ट हैं, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी ऑप्शंस ये करेक्ट है, एंड इसका भी पूरा एक कॉन्सेप्ट है। बाकी इतनी डिटेल में आपको इसके जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आइडेंटिटी फॉर्मेशन होता कैसे है, उसके स्टेप्स वगैरह, ये सब आपके सिलेबस का मेनली पार्ट है। बट स्टिल मीनिंग और आपकी डेफिनेशन आप आइडेंटिटी फॉर्मेशन की एक बार देख लें, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं। क्वेश्चन 9 डैश इज एन इंडिविजुअल नॉलेज ऑफ हु ही और शी इज, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ परसेप्शन, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीमेट या नन ऑफ दीज। यहाँ पे हिंदी में भी आपको मिल जाएंगे सारे ऑप्शंस, बिकॉज कंटिन्यूसली बोला जाता है कि इंग्लिश में डाल दी जाती है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है। तो अब से वीडियोस में प्रयास रहेगा कि दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाए। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो है आपका ऑप्शन 2, सेल्फ कॉन्सेप्ट, दिस ऑप्शन बेसिकली। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, SWOC स्टैंड्स फॉर व्हाट, सो इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। बाकी ऑप्शंस मैंने खुद से ही बना दिए हैं यहाँ पे, तो वो गलत है, एंड आपको भी ऐसे इनकरेक्ट ऑप्शंस मिल सकते हैं। जस्ट आपको एक करेक्ट ऑप्शन पता होना चाहिए, दैट्स इट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंट्रापर्सनल। देखिए दो चीजें हैं, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। हिंदी में थोड़ी सी आपको, देखिए यहाँ पे अगर कुछ मिस्टेक हो तो खुद से ठीक कर लें प्लीज, बहुत शॉर्ट टाइम में हिंदी में भी ट्रांसलेशन की गई है। सो द करेक्ट ऑप्शन इंट्रापर्सनल के लिए, बेसिकली इंट्रापर्सनल का मीनिंग क्या है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, टेकिंग प्लेस और एग्जिस्टिंग विद इन द माइंड, इट्स नॉट टॉकिंग, इट्स टेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीइंग अटेंटिव एंड रिस्पॉन्सिव टू अदर्स इनपुट ड्यूरिंग कन्वर्जेशन। ये लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सब्जेक्ट है, उसमें भी ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज था, तो आप उसमें भी इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, एक जो बच्चा है या एक इंडिविजुअल है जो अटेंटिव एंड रिस्पॉन्सिव है, बाकी लोग मतलब ध्यान से सुन रहा है बेसिकली, तो उसको हम बोलेंगे एम्पथेटिक लिसनर, दिस वन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमंस टू एक्सरसाइज इंट्रोस्पेक्शन एंड टू अटेम्प्ट टू लर्न मोर अबाउट देयर फंडामेंटल नेचर एंड एसेंस। एसेंस तो ऑप्शंस है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिफ्लेक्शन, थर्ड इज सेल्फ परसेप्शन, फोर्थ इज पर्सनैलिटी, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सेल्फ रिफ्लेक्शन। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका भी, एंड बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सेल्फ रिफ्लेक्शन का, वन शुड स्टडी, इंटरेस्ट आएगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग वे विल हेल्प एन इंडिविजुअल इन इम्प्रूविंग सेल्फ एस्टीम। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई एंड चैलेंज योर नेगेटिव बिलीव, सेकेंड इज आइडेंटिफाई द पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, थर्ड इज गिव योर सेल्फ अ ब्रेक, फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल फिट हो रहे हैं, बिकॉज दे आर द वे दैट विल हेल्प यू या हेल्प एन इंडिविजुअल इन इम्प्रूविंग देयर सेल्फ एस्टीम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 एंड द लास्ट क्वेश्चन एज वेल। तो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या है, तो ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन, बहुत लंबा सा आंसर है। अब देखिए ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है ऐसे ही आए, वाइस वर्सा भी हो सकता है, मतलब डेफिनेशन आपको क्वेश्चन में मिल जाए एंड ऑप्शंस मिल जाए आपको, लाइक ऑप्शंस में सेल्फ एस्टीम आपको मिल जाए, तो ये बिल्कुल क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि उसी के चांसेस ज्यादा हैं, जैसा कि क्वेश्चन 1-2 में भी आपको देखने को मिला।
सो यही था इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए. होप सो आप सभी को आइडिया हो गया होगा कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं. अगर टाइम रहा एग्जाम से पहले तो बिल्कुल एक और सेट की कोशिश करेंगे कि चैनल पे अपलोड कर दिया जाए फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. बट प्लीज अपनी तैयारी रखें, सेल्फ स्टडी करें एंड ब्रीफ में स्टडी करें, बिकॉज दिस टाइम थ्योरी एग्जाम्स है नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप है. सो डिटेल स्टडी तो आपको बिल्कुल करनी पड़ेगी. So thank you for watching this video and do subscribe to our YouTube channel. Thank you.